हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आपको जैसी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में मैं आपको कार्बोकेटायन बता रही हूँ। ठीक है, क्या बता रही हूँ आपको? आप कार्बोकेटायन मैंने बता चुकी हूँ। कार्बोकेटायन मतलब क्या होता है? जिसमें प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? कार्बोकेटायन। और क्या होता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक भी होते हैं। मीन्स क्या होता है? इसमें प्लस चार्ज होता है और इसमें क्या हो गया, हमेशा अष्टक पूरा नहीं रहता। ये तो हमने पहले क्लियर कर चुके हैं आपको। अभी आज आप देखेंगे कार्बो एन आयन। कार्बो एन आयन मतलब जिस कार्बन पर एन आयन मीन माइनस चार्ज होता है। जैसे जो कार्बन है उसमें कौन सा चार्ज हो? माइनस चार्ज होता है, उसको कार्बो एन आयन कहते हैं। कार्बन परमाणु पर एक आबंधी, आबंधी मतलब बंध, मतलब जिसमें बॉन्डेड होते हैं, एंटी बॉन्डेड होते हैं ना, नॉन बॉन्डेड। तो क्या बात रहता है? आबंधी इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? आबंधी इलेक्ट्रॉन रहता है। इतना क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया कि कार्बो एन आयन क्या कहलाता है? जिस कार्बन पर एन आयन यानी कि ऋण आयन होता है उसको कार्बो एन आयन कहते हैं, तथा यह आवर्ती इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। इसमें देखेंगे कि तीन R3, R3 का मतलब आप समझ रहे हो एल्केन। R3 का मतलब क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन तीनों हो सकते हैं। तो R3 का मतलब क्या होता है? एल्केन। तो जिसमें तीन R3 होते हैं, जैसे उदाहरण से आपको समझ में आएगा CH3। कितने हैं ये? तीन। क्या लगे होते हैं? तीन R3 लगे हुए, जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन पाए। मतलब ये क्या कक्षा है? इनका पूरा भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह इसमें होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें कार्बन पर अम्ल संयुग्मी पाया जाता है। क्या होता है? कार्बन। तो क्या होता है? R3 इसमें पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया कि जिसमें R3 होते हैं है, जहां भी दुर्बल
समूह होते हैं, जहाँ पे दुर्बल समूह, यहाँ पे क्या जहाँ बहुत वीक ग्रुप पाए जाते हैं वहाँ इनको बढ़ाया जाता है। जैसे ओ एच है और जो देखिए एच बॉन्ड सी सी आर सी आर है, ये हाइड्रोजन इधर से आ रहा है एच टू ए पानी के रूप में, ये और ये जुड़ा गया, कितना बचा इतना बचा है ना। तो देखो कार्बन सी आर सी आर सी आर ये क्या कराएगा, पार एन आयन कराएगा, क्या कराएगा, पार एन आयन कराएगा। फिर इसके आगे क्लोरीन इसमें माइनस होकर निकल गया, कितना बचा सी आर डाई डाई क्लोरो कार्बिन डाई क्लोरो, इसको क्या कहेंगे डाई क्लोरो कार्बिन कहेंगे, डाई क्लोरो कार्बिन प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखो, जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन जो होता है इसमें क्या हो सकता है, इसका एनिलीनीकरण आसानी से किया जा सकता है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन और इसकी संरचना जो होती है, तो इसकी संरचना एस पी थ्री संकरण पाया जाता है, किसमें कार्बन एनायन जो होता है इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, एस पी थ्री संकरण पाया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और इसकी कैसी होती है, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल संरचना होती है, ज्योमेट्रिकल होती है, और क्या थी पिरामिडल, ज्योमेट्रिकल भी दिख रही है और त्रिकोणी, कैसी त्रिकोणी दिख रही है, ट्रायंगल, ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल पिरामिडल संरचना, पिरामिडल के समान पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका होता है। और कार्बन का जहाँ भी आवेश, हमने पहले बताया था कार्बन में जहाँ माइनस आवेश दादा समूह जो के द्वारा इसका स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, स्थायित्व जो होता है इसका, न्यूक्लियोफिलिक अत्यधिक क्रियाशील होता है, मतलब ये वाला जो होता है योग वाला क्रियाएं जो होती हैं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, और केंद्रक में जहाँ कार्बन एन आयन आवेश दाता समूह द्वारा स्थापित होता है, ये पेरणी प्रभाव जो होते हैं, पेरणी प्रभाव को भी ये आसानी से समझाया जा सकता है। मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे ज़्यादा जैसे कि देखो एग्जाम्पल में आर वन आर टू एन आर थ्री, तो अब ये बड़े आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा इसकी फिर इसकी, और यहाँ पे अगर सिर्फ क्या लगा दो, इधर भी है इधर भी है और इधर भी है इधर भी है, अगर लगा दिया तो सबसे कम इसकी, मतलब इसको थ्री याद रखना, इसको बस लिखोगे तो ऐसा डिग्री लगाते हैं इसमें ना, मतलब ये तीन तीन एल्किन है, सबसे ज़्यादा इसकी होगी फिर इसकी होगी फिर इसकी होगी और फिर सबसे कम किसकी होगी, जिसमें एक भी एल्किन समूह आर समूह नहीं लगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी कैसी होती है, आर थ्री की सबसे ज़्यादा होती है और जहाँ से आर नहीं होता उसकी सबसे कम होती है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, तो ये क्या बताया मैंने आज आपको, कार्बो एन आर, इसके पहले क्या बताया था, कार्बो एन आर, बहुत क्वेश्चन होगा वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सेमेस्टर सिस्टम है आपका ना, तो सेमेस्टर में ये चीज है आपको, क्योंकि ये सेकेंड ईयर का कुछ क्वेश्चन इसमें आ गया है, इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ ही आपको, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ कि जो पी टू पी थ्री और पी फोर सब्जेक्ट है वो भी आपको क्लासें अटेंड करना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।